हेलो फ्रेंड्स, मैं नंदिता। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं काले चने की थोड़ी डिफरेंट तरह की सब्जी। तो ये मैंने चने को रात भर भिंगो दिया था और इसका पानी अभी मैंने निकाल लिया है। और अब इसको हम मिक्सी में पीसेंगे थोड़े से ग्रीन चिली, अदरक और लहसुन के साथ। ये पेस्ट हमारा रेडी है। इसमें मैंने थोड़ी हल्दी हाफ स्पून डाली है, हाफ स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा मैं सॉल्ट अभी थोड़ा ही डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद एक प्लेट को हमने इधर हल्के से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इस पेस्ट को हमें इस पे डालकर स्टीम करना है। ये प्लेट में हमने इसको फैला दिया है इस पेस्ट को, और इधर हमने पैन चढ़ा दिया है ऑयल हीट होने। ऑयल भी हमारा अच्छा हीट हो गया है। इसमें थोड़ा डालेंगे जीरा, थोड़े से ये खड़े गरम मसाले, दो इलायची, तीन चार काली मिर्च, दो तीन लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा, इसे भी मिक्स करेंगे। हरी मिर्ची हमने पेस्ट में डाला है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे लाल मिर्च या हरी मिर्च कुछ डाल सकते हैं। और ये चॉप किया हुआ दो तीन प्याज बारीक चॉप कर लेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। ये दो ग्रीन चिली भी मैंने इसमें डाल दी है और इसको अच्छे से भूनेंगे। और आप इसी टाइम, प्याज के टाइम ही क्या कीजिए, एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर इसे बीच में रख दें और ये जो हमारा पेस्ट हमने प्लेट में फैलाया हुआ है इसके ऊपर रख दें, ऐसे ठीक से ध्यान से। आप चाहें तो इसे अलग से भी स्टीम कर सकते हैं, बट इससे साथ साथ दोनों काम हो जाएंगे, हमारा टाइम सेविंग होगा। तो ऐसे बंद कर दें इसे कवर, इससे ये स्टीम होता रहेगा। और गैस को लो टू मीडियम रहने दें। 5 to 6 मिनट हो गए हैं और ये पेस्ट ऑलमोस्ट स्टीम्ड है, हो गया स्टीम। इसे बाहर निकाल लेते हैं और आप इसे अच्छे से सेट होने के लिए 10 मिनट जब ठंडा हो जाए तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। इस पानी को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे सब्जी में ही बाद में डालेंगे। इसे मिक्स कर अच्छे से चलाएंगे। प्याज ऑलमोस्ट भुन गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि थोड़े कच्चे रह गए हैं, कटोरी बीच में रहने की वजह से अगर अच्छे से चल नहीं पाया तो 2 मिनट और भून लें। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा, क्योंकि हमने पेस्ट में भी डाला है और थोड़ा सा पेस्ट हमने उस टाइम बचा लिया था। इसको भी हम सब्जी में भी मसाले के टाइम डाल देंगे, इससे ग्रेवी की थिकनेस अच्छी होती है। तो ये अदरक लहसुन भी अच्छे से भून लेते हैं। इसके बाद साथ ही जाएगा ये सारे मसाले। इसमें मैंने लिया है धनिया पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी किचन किंग हाफ स्पून, हाफ स्पून हल्दी और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो अब हम ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे, अच्छे से इसको भूनते हैं। मसाले भून गए हैं, अब इसमें हम एक टमाटर चॉप किया हुआ डाल देंगे और इसे भी भून लेंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, बस ये बचा हुआ पेस्ट जो था ये भी हम डाल देंगे इसमें और इसे भी 2 मिनट के लिए भून। ये मिक्सी से हमने थोड़ा पानी निकाला था, ये मसाले भी वेस्ट नहीं करेंगे और इसमें डाल देंगे और इसे फ्राई करेंगे। ये फ्रिज से हमने निकाल लिया है इसे प्लेट को, ये अच्छे से सेट हो गया और हमने इसे कट कर लिया। आप किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जैसे भी आपको अच्छा लगता हो। और बस इसे एक प्लेट में निकालेंगे। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी ग्रेवी में डाल सकते हो, क्योंकि इसमें इतने मसाले, अदरक लहसुन सबका फ्लेवर, ग्रीन मिर्ची का बहुत अच्छा आता है। तो आप इसे डायरेक्ट भी स्टीम्ड किया हुआ ग्रेवी में डाल सकते हो, और नहीं तो फिर 2 मिनट के लिए आप शैलो फ्राई कर लें इसे, तो फिर ग्रेवी में डालें। तो मैं अभी शैलो फ्राई करूँगी। ये पैन गर्म होने दे दिया है। इधर मसाले भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब ये जो कटोरी में पानी हमने स्टीम करने वक्त रखा था, इसी पानी को इसमें हम डालेंगे और ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा और डालेंगे और इसे बॉयल आने देंगे। पानी हमने थोड़ा और ऊपर से भी डाला है, क्योंकि ये चने का पेस्ट डालने के बाद बहुत ज़्यादा ही थिक हो जाती है। तो इस सब्ज़ी की ये भी एक खास बात है कि अगर आप प्याज कम भी डालोगे ना और ये पेस्ट थोड़ा सा डाल दोगे तो इसकी वजह से थिकनेस बहुत अच्छी आ जाती है। इसे अब हम कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक कि ग्रेवी में बॉयल ना आए, और अच्छे से बॉयल होने देंगे। और इस तरफ हमारे ये पीसेस फ्राई हो रहे हैं। हम इसे 2-3 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा रेड भी नहीं करना है, बस टॉस करके 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये हमारे थोड़े से सिक गए हैं दोनों साइड से, ये रोस्ट हो गए हैं।
अब इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। आप चाहो तो इसे स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हो। ग्रेवी हमारी रेडी है ऑलमोस्ट, थिकनेस भी सही है। आप ना थोड़ा पतले में ही इसे गैस ऑफ कर दें, क्योंकि ना ये पीसेस पड़ने के बाद और ठंडे होने के बाद अब ये और ज़्यादा थिक हो जाती है। तो बस अब इसे स्टेज पे हम सारे पीसेस डाल देंगे इसमें, ये फ्राई की हुई जो भी हमने फ्राई किया था सेलो फ्राई। और बस इसको डालने के बाद बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, 2 मिनट बस, ताकि ये फ्लेवर को एब्जॉर्ब कर पाए। और बस गैस ऑफ कर देंगे और थोड़े से धनिया पत्ते के साथ इसे कंप्लीट करेंगे। बस इसे स्टेज पे हम गैस बंद कर देंगे और बस ये हमारी रेडी है अब सर्व करने को। और यहाँ पे हमने सर्व कर लिया है अपनी सब्जी को। ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है, आप एक बार इसे ज़रूर ऐसे ट्राई करें बनाकर। काले चने से ऐसी सब्जी बहुत कम लोग बनाते होंगे, तो अब बहुत ही यम्मी लगेगी, ज़रूर ट्राई करें। और बस जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ प्लीज़ गाइस कमेंट और लाइक ज़रूर करें, हमें आपके कमेंट और लाइक का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। थैंक यू, बाय बाय।